आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल नमस्ते सफ़रनामा पे। और इस समय मैं हूँ नैनीताल में, यानी कि आज का जो मेरा सफ़र होने वाला है वो है नैनीताल का। और आज मैं नैनीताल विजिट करने वाला हूँ पूरा। और उससे पहले मैं बता दूँ, यहाँ पे जो मैंने अभी रूम लिया है, ये देखिए ये है रूम, काफ़ी शानदार रूम है। और इस साइड ये वॉशरूम है और एक बेड है, इधर भी है एक रूम, बट मुझे सिंगल रूम चाहिए था तो इसलिए मैंने सिंगल रूम वगैरह लिया है। टीवी वगैरह सब लगा हुआ है, एक अलमारी है। और यहाँ पे जो रूम रेंट है इस टाइम पे दिसंबर के टाइम पे, तो वही 1000 या 1500 के आसपास आपको यहाँ पे अच्छा खासा रूम मिल जाएगा एक वन नाइट स्टे करने के लिए। और यही आप अगर जनवरी में आते हो तो उस टाइम पे यहाँ पे स्नोफॉल वगैरह गिर जाती है, और उस टाइम ये रूम का रेंट थोड़ा बढ़ जाता है, 3000-4000 तक आपको यहाँ पे मिलेगा। तो अगर आप स्नोफॉल में आते हैं तो आपको यहाँ पे काफ़ी कॉस्टली रूम मिलेगा, और इस टाइम पे अभी यहाँ पे थोड़ा ठीक ठाक रूम मिल जाएगा आपको। तो अभी मैं आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ यहाँ से। ये देखिए यह है छोटी सी बालकोनी, और इसके बाहर का व्यू देखिए, काफ़ी शानदार व्यू है। अभी मैं निकल रहा हूँ नैनीताल विजिट करने के लिए, और आपको दिखाता हूँ नैनीताल का व्यू। आज ये सारा जो भी एरिया आपको दिख रहा है ये पूरा कवर करने वाला हूँ मैं, और मेरे साथ जो मुझे घुमाने वाले हैं ये भाई हैं अपने। और आप जब भी नैनीताल आएँ तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं अपने यूट्यूब चैनल के नीचे इनका नंबर वगैरह डाल दूँगा, आप वहाँ से इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और नैनीताल पूरा विजिट कर सकते हैं। तो दिखाते हैं आपको पूरा नैनीताल का व्यू किस तरह का है, और कौन कौन से यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस घूमने वाले हैं। तो बने रहे ब्लॉग में और मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। और यह है नैनीताल की खूबसूरत सी लेक, काफ़ी बड़ी लेक है। अभी यहाँ पे पेड़ पौधे लग गए हैं इसलिए ये क्लियर दिख नहीं रहा, और बहुत सारे लोग यहाँ पे बोटिंग वगैरह भी कर रहे हैं। अभी पास जाके दिखाते हैं आपको लेक का पूरा व्यू। और ये देखिए ये लेक के किनारे पे कितनी सारी मछलियाँ आई हुई हैं। ये जो लेक है ना, इसके हर किनारे पे आपको मछलियाँ बहुत सारी झुंड में दिखेंगे। और ये प्यारी सी लेक है, काफ़ी खूबसूरत आज मौसम भी हुआ है ये देखिए। और यहाँ पे बोटिंग वगैरह भी कर रहे हैं काफ़ी सारे टूरिस्ट इस टाइम पे यहाँ पे आए हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है इस टाइम यहाँ पे। और अब मैं निकल चुका हूँ नैनीताल से ऊपर की तरफ, और मैं जाऊँगा आज चाइना पीक, और उससे पहले एक दो जगह और कवर करूँगा और आपको भी दिखाऊँगा। देखिए नीचे खूबसूरत सी लेक है, और निकलते हैं चाइना पीक की तरफ और फिर आपको दिखाते हैं वहाँ का खूबसूरत सा नज़ारा किस तरह का है। यह है स्नो व्यू पॉइंट, यहाँ से स्नो का व्यू जो आता है वो काफ़ी लाजवाब आता है। और ये मार्केट काफ़ी अच्छी मार्केट है, और इसे गोल मार्केट के नाम से भी जाना जाता है यहाँ पे। और ये देखिए काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे आपको ये गिफ्ट वगैरह मिल जाएंगे, और ये देखिए ये पूरी सेट को भी मार्केट ही है पूरी। और यहाँ से दिखता है हिमालय का खूबसूरत सा व्यू, अभी तो दिख नहीं रहा, धुंध काफ़ी ज़्यादा है। और ये नीचे साइड कुछ बोतलें लगा रखी हैं, छोटी सी एक्टिविटी करते हैं लोग यहाँ पे।
हम आ चुके हैं नैनीताल से करीबन कितना किलोमीटर ऊपर हो गए? 3 किलोमीटर। नहीं, ये ट्रैक तो 3 किलोमीटर है। नैनीताल जो लेक है वहाँ से ऊपर कितना हो गए किलोमीटर में? किलोमीटर मान लो 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर यानी कि हम ऊपर ही होगा। 10 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं और यहाँ से हमारी ट्रैकिंग शुरू हो रही है ऊपर को। ये पूरा पैदल रास्ता है और करीबन 3 किलोमीटर तक हमें ऊपर चढ़ना होगा। और वहाँ पे क्या नाम जो होता है, नैना पिक नाम की काफ़ी खूबसूरत जगह पड़ती है जहाँ से पूरा नैनीताल का व्यू दिखता है। तो अभी मैं उधर ही जा रहा हूँ और आप लोगों को भी दिखाता हूँ ऊपर चढ़ के कितनी दूरी पे है और पूरा नैनीताल का पिक। फिलहाल मैं दिखाता हूँ, ये रास्ता देख के कितने घनघोर जंगल से होते हुए जा रहा है। वाह, अभी शाम भी हो चुकी है, बस आधे घंटे बाद अंधेरा हो जाएगा। तो देखते हैं कितना कवर होता है आज के उसमें। तो एक रास्ता ये जाता है, ये थोड़ा लंबा रास्ता है, और एक रास्ता ये है, ये थोड़ा शॉर्ट रास्ता है, लेकिन ये जंगल है ऊपर को रास्ता बनाया हुआ है। देखते हैं कितना टाइम लगता है ऊपर पहुंचने में। और अभी से सांस फूलने लगी है मेरी तो देखो क्या होता है, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम है नहीं, एक दिन के लिए आया हूँ मैं यहाँ पर। तो मैंने सोचा यहाँ पर जितने भी जगह देखने लायक है उन्हें देख के जाऊँ। तो अभी भाई मेरे को वहीं ले जा रहे हैं, और इससे पहले इन्होंने 2-3 जगह मेरे को दिखा दी हैं। तो अभी टॉप में चलते हैं, वहाँ जाके देखते हैं कैसा व्यू आता है। वाव, कितनी मस्त लोकेशन है। और यहाँ पे देखिए कितनी सारी पब्लिक आई हुई है। अभी शाम हो चुका है यहाँ पे और धूप भी हल्की हल्की है, थोड़ी देर में दिन ढलने वाला है यहाँ पे। और ये देखिए नज़ारा, वाव। तो इस समय मैं आ चुका हूँ नैनीताल से करीबन 10-12 किलोमीटर की ऊंचाई पे, और ये जो जगह पड़ती है ये पड़ती है चाइना पिक, जो नैनीताल की वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन है। और यहाँ से मैं आपको पूरे नैनीताल का व्यू दिखाता हूँ। और ये देखिए काफ़ी खूबसूरत व्यू है, और वो देखिए वहाँ ताल वगैरह है, वहाँ पे बोटिंग कर रहे हैं लोग। और इस साइड देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, इस साइड ऊपर को हरे भरे पेड़ पौधे, ये देखिए माउंटेन वगैरह, आपको सब कुछ यहाँ पे दिखाई देगा ऊपर से। काफ़ी अच्छी जगह है। और हमें करीबन 1 घंटा लग गया था नीचे से ऊपर आने पे, और 30-35 मिनट हमें स्कूटी में लगे थे, लेकिन हमने कुछ जगह भी कवर किए थे वहाँ पे। और यहाँ पे रोड नहीं है अभी, तो हम पैदल आए थे। ये जो जंगल दिख रहा है आपको, ये जंगल के रास्ते ऊपर होते हुए हम पैदल आए थे, और फाइनली हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और काफ़ी अच्छी लोकेशन है, और अगर आप जब भी नैनीताल आएँ तो ये वाली लोकेशन पे ज़रूर आएँ। मैं भी बहुत बार नैनीताल आ चुका हूँ, बट मैं क्या था, मैं वही नैनीताल के लेक वगैरह को देख के और वहाँ की मार्केट को देख के वापस चले जाता था। कभी मेरे को ऊपर आने का इतना मौका नहीं मिला और ना ही इतना टाइम मिला। और अभी भी मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, यहाँ पे एक दिन के लिए आया हूँ। तो मेरे को ये भाई मिल गए थे, तो इन्होंने बोला कि मैं आपको दिखाता हूँ पूरा नैनीताल और ऊपर साइड ले चलते हैं आज आपको। आप तो नीचे घूमते रहते होंगे, लेकिन ऊपर से जो नैनीताल का व्यू आता है वो देखने लगा था, लेकिन वही व्यू आज मैंने देखा पहली बार। तो काफ़ी ऑसम व्यू है, और आप एक बार ज़रूर इस लोकेशन पर ज़रूर आएँ। और एक चीज़ मैं आप लोगों से और कहना चाहता हूँ, जब भी आप इस लोकेशन पर आएँ तो अपने साथ पानी की बोतल हो गए, चिप्स, कुरकुरे, कुछ ना कुछ खाने के लिए ज़रूर लाएं, क्योंकि चढ़ाई काफ़ी है और आप आते आते थक जाएंगे।
मैंने ये एरिया कवर किया था 25 से 30 मिनट में। वो भाई थे तो हमें तो आदत थी पहाड़ों पे चलने की, तो इसलिए हम जल्दी से कवर कर लिया। और ये देखिए पीछे का भी बैकग्राउंड काफ़ी औसम है। और जब भी आप खाने की कुछ लाएँ, पानी की बोतल या कुछ खाने पीने का आइटम, तो यहाँ पे कूड़ा वगैरह ना करें, वो अच्छे बात भी नहीं है। अभी मैं ऊपर से देख रहा था तो काफ़ी सारा यहाँ पे कचरा है, वो यहाँ पे ना करें। इतनी खूबसूरत जगह है और अपनी जगह को साफ सुथरा रखें, यही मेरा मैसेज है आप लोगों को, और आप यहाँ पे एक बार जरूर आएं। तो ये था मेरा नैनीताल का सफर, और अभी मैं ऊपर तो आ गया हूँ, लेकिन बहुत तेज से यहाँ पे भूख वगैरह लगी थी, और ये ली है मैंने बिरयानी। और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे देखी और भाई ने दिखाई भी, काफ़ी अच्छी तरह से भाई ने समझाया और हर जगह को एक एक करके बताया कि कौन सी जगह किस नाम से यहाँ पे जानी जाती है। और ये जो नैनीताल का सफ़र मेरा रहा, काफ़ी औसम रहा। और तो मिलते हैं आपको बहुत जल्द एक नई लोकेशन के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आप जब भी नैनीताल आए तो ये जगह को मिस ना करें।